वेलकम बैक फ्रेंड ऑन माय यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री सर अनीश कुमार आजाद। और आज के इस वीडियो लेक्चर में हम लोग बात करेंगे सेंट्री इंस्पेक्टर जॉब के बारे में। जैसा कि मैं लगातार आपको पूरे भारतवर्ष से पूरे इंडिया से खोज खोज कर सेंट्री इंस्पेक्टर का जो जॉब है गवर्नमेंट जॉब है कहाँ कहाँ निकला हुआ है उसके बारे में जानकारी दे रहा हूँ। और इसी कड़ी में आज जो है मुझे एक नया नोटिफिकेशन मिला है श्री अंकित सिंह जी के द्वारा जो हेल्थ सुपरवाइजर हैं गुजरात में। तो बहुत बहुत धन्यवाद अंकित जी जो आपके द्वारा जो है इस तरह का जानकारी लगातार दिया जा रहा है सेंट्रल इंस्पेक्टर जॉब के बारे में, जिससे मतलब जो हमारे कैंडिडेट हैं, कैंडिडेट बोले तो सब्सक्राइबर हैं, भाई हैं मेरे जो सेंट्रल इंस्पेक्टर का कोर्स किए हुए हैं और बेरोजगार हैं अभी और गवर्नमेंट जॉब के तलाश में है, तो आपके द्वारा भी इसमें बहुत सा सहयोग दिया जा रहा है। तो आज का जो नोटिफिकेशन है वो है बावड़ा नगर पालिका गुजरात से, और इसमें जो है आज जो बहाली आई हुई है वो है बावड़ा नगर पालिका गुजरात से और ये सेंट्री इंस्पेक्टर जॉब से रिलेटेड है। इसमें क्वालिफिकेशन मांग रहा है कि आप जो है 10+2 होना चाहिए, मतलब 12th पास होना चाहिए, प्लस में ITI से। यहाँ गौर करने वाली बात है कि आप ITI से सेंट्री इंस्पेक्टर का कोर्स किए हुए हो, साथ ही साथ आपके पास 3 साल का एक्सपीरियंस हो, प्लस में आप जो है बेसिक कंप्यूटर नॉलेज आपको आता हो। ये सारी चीजें जो है अगर आपके पास है तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। फॉर्म का जो लास्ट डेट है वो है 7 जनवरी 2020, मतलब 7 जनवरी 2020 तक जो है आप फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। एक सिंपल फॉर्मेट में जो है सारा अपना डिटेल्स डालकर और सारा एप्लीकेशन फॉर्म के साथ जो है बावड़ा नगर पालिका गुजरात में आपको सेंड कर देना है। तो मेरा तो यही मानना है कि जो इस क्षेत्र के जो कैंडिडेट है जो बावड़ा नगर पालिका गुजरात में है उस क्षेत्र के ही कैंडिडेट जो है अगर इस फॉर्म को अप्लाई कर तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो इस तरह से फ्रेंड ये छोटा सा वीडियो था जो बहुत ही महत्वपूर्ण था जॉब से रिलेटेड, तो आपको मैं सोचा कि जानकारी दूं, तो आप इसे जरूर अप्लाई करें और वहां पर जाकर अपना एग्जाम में पार्टिसिपेट हो। थैंक यू वेरी मच।